यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय आह्वान पर आजमगढ़ जनपद में कांग्रेस द्वारा अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार द्वारा राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के मार्ग में असम के नौगांव स्थित श्री श्री शंकर देव मंदिर में जाने से रोकना और पदयात्रा पर हमला एवं पोस्टरों के फाड़ने के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। कल सुबह पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले, जिसकी पहले से प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई थी। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने पुलिस का पहरा लगाकर उन्हें मंदिर जाने से रोक दिया और राहुल जी को इस तरह मंदिर जाने से रोके जाने पर लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। आजाद भारत में कोई भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल में प्रवेश से नहीं रोक सकता। अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा, भाजपा सरकार यात्रा में मिल रहा जनसमर्थन से घबरा कर अपने सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से इस शांतिपूर्ण यात्रा को बाधित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। देश संविधान से चलता है और वही संविधान हर मनुष्य को अपने धर्म का पालन करने के लिए कहता है। पिछले दो दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले के ऊपर सुनियोजित हमले, पथराव करने और पोस्टर फाड़ने की घटनाएं हुई है। भाजपा डरी हुई है और अपनी बौखलाहट का सबूत दे रही है। आज पूरा देश राहुल गांधी की तरफ एक उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। इस दौरान मोहम्मद नजम शमीम, रियाजुल हसन, रामगणेश प्रजापति, रमेश राजभर, अजीत राय, हरिओम उपाध्याय, रामप्यारे यादव, बिलाल अहमद, प्रदीप यादव, जोगिंदर यादव, चंद्रबी यादव, कुलमासी प्रजापति, देवमुनि राजभर, शाहिद खान, धर्मेंद्र यादव, मुन्नू मौर्य, अमर बहादुर यादव, मंत्राज यादव, मोहम्मद आमिर, सुनील यादव, पंकज यादव, रवि आदित्य सिंह, रामनारायण, हीरालाल, मसूद अंसारी, मुशीर अहमद, समीर अहमद, शंभु शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट।